गोविंदपुरी एक्सटेंशन में चोरी छिपे चल रहे हुक्का बार में फायरिंग और चाकूबाजी। दोपहर हुई इस वारदात में एक नाबालिग लड़के की गोली लगने से मौत, दूसरे घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुरी एक्सटेंशन में हुक्का बार में फायरिंग की घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि यहीं चाकू लगने से दूसरा युवक घायल हो गया। उसे जख्मी हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान कुणाल 17 के तौर पर हुई। शनिवार दोपहर इस मामले का पता चलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया है। डीसीपी राजेश देव ने बताया, दोपहर करीब 3:15 बजे कालकाजी थाने को फायरिंग की सूचना मिली। बताया गया है कि गोविंदपुरी एक्सटेंशन स्थित पहली मंजिल पर चोरी छुपे चल रहे एक हुक्का बार में 7-8 की संख्या में लड़के आए थे। एक युवक को गोली लगी है। पता चलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। यहां फर्श पर जहां खून मिला, यहां इंक्वायरी करने पर पता लगा कि घायल को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। वहीं डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है, जिसके सिर पर गोली मारी गई थी। तो वहीं राहुल नाम के एक अन्य युवक के पैर में किसी धारदार चीज से वार किया गया था, वहीं भी इस घटना में घायल है। पुलिस अफसर का कहना है कि इस हुक्का बार को 1 अप्रैल को ही बंद करवा दिया गया था। इस घटना में लोकल बदमाशों का हाथ होने की जानकारी मिली है। एक आरोपी की पहचान भी कर ली गई है, वह नाबालिग है। तो वहीं फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल कर फरार हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। राजीव जोशी जी, आपके लड़के को गोली मारी है, क्या कारण था, क्या नाम था, क्या उम्र थी? कुणाल नाम था उसका, डीडे प्लेट के पास में स्कूल है, वहाँ हुक्का बार है, वहाँ उसको गोली मार दी। 4-5 घंटे आए थे उसको गोली मार। कितने साल का लड़का था? 17 साल का।